हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रभात एग्जाम का यूट्यूब चैनल और हम आपके लिए लाए हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सीरीज की एक विशेष श्रृंखला जो आपको भारत के पहले गवर्नर जनरल से लेकर आखिरी गवर्नर जनरल के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देगा, जैसे भारत के गवर्नर जनरल की फहरिस्त में कौन कौन से नाम शामिल है, उनकी क्या उपलब्धियां थी और उन्होंने क्या प्रमुख सुधार किए। ये विषय आपको आईएएस परीक्षा के सामान्य ज्ञान एवं आधुनिक भारत के इतिहास के अनुभाग के प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा। इसके अलावा यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी में प्रमुख तौर पर प्रत्येक वर्ष प्री और मेंस की परीक्षा में इसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के तीसरे गवर्नर जनरल सर जॉन शोर की, जिनका जन्म 5 अक्टूबर 1751 में सेंट जेम्स स्ट्रीट पिकाडिली में हुआ था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने 1793 से 1798 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। शोर ब्रिटिश और विदेशी बाइबल सोसाइटी के पहले अध्यक्ष थे। मई 1769 में कलकत्ता आने के तुरंत बाद उन्हें गुप्त राजनीतिक विभाग में नियुक्त किया गया, जिसमें वो लगभग 12 महीने तक रहे। सितंबर 1770 में उन्हें मुर्शिदाबाद में राजस्व बोर्ड के सहायक के रूप में नामित किया गया। 19 साल की उम्र में शोर ने अचानक खुद को एक बड़े जिले के नागरिक और वित्तीय क्षेत्राधिकार में निवेशित पाया। 1772 में शोर प्रांत के निवासी के पहले सहायक के रूप में राजशाही बन गए। अगले वर्ष उन्होंने अस्थायी रूप से फारसी अनुवादक और मुर्शिदाबाद में बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य किया। जून 1775 में उन्हें कलकत्ता में राजस्व परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। वो 1780 के अंत तक परिषद के विघटन तक उसी पद पर बने रहे। हालांकि उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ फिलिप फ्रांसिस द्वारा शुरू किए गए कड़वे दार्शनिकों में से एक को संशोधित किया। राजस्व के संग्रह का पर्यवेक्षण करने के अलावा उन्होंने अपना अधिकांश समय राजकोष के मामलों के फैसलों के लिए समर्पित किया। उन्होंने ढाका और बिहार में राजस्व आयुक्त के रूप में काम किया और उन्होंने न्यायिक और वित्तीय सुधारों की योजनाएं बनाई। गवर्नर जनरल की भव्यता की निंदा करते हुए शोर ने जॉन मैकफर्सन को वित्तीय स्थिति के बारे में अपने विचार बताए, जिन्होंने उन्हें निजी तौर पर हेस्टिंग्स को प्रदान करने के बजाय सर्वोच्च परिषद के रिकॉर्ड में एक मिनट के रूप में डाला। विश्वास भंग के रूप में देखे जाने के परिणाम स्वरूप शोर ने बोर्ड में अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। जनवरी 1785 में शोर हेस्टिंग्स की कंपनी में इंग्लैंड लौट आए। इंग्लैंड में रहते हुए 14 फरवरी 1786 को उन्होंने जेम्स कॉर्निश की बेटी चार्लोट से शादी की, जो टेक माउथ के एक चिकित्सक थे। सुप्रीम काउंसिल की एक सीट पर निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद शोर भारत लौट आए और 21 जनवरी 1787 को उन्होंने बंगाल सरकार के सदस्य के रूप में अपनी सीट ली। 1789 की गर्मियों में शोर ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व का 10 वार्षिक निपटान पूरा किया। हालांकि शोर ने सावधानी और आगे की जांच की सिफारिश की और कठोरता का विरोध किया। जमींदारों के मालिकाना अधिकारों के पक्ष में उनके फैसले को कॉर्नवालिस द्वारा अनुमोदित किया गया था और ये बहुचर्चित स्थायी बंदोबस्त का आधार बना। शोर को 19 सितंबर 1792 को कॉर्नवालिस के उत्तराधिकारी के रूप में भारत के गवर्नर जनरल के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त किया गया और 2 अक्टूबर को बैरोनेट बनाया गया। 10 मार्च 1793 को वो कलकत्ता पहुंचे, जहां वो कॉर्नवालिस के प्रस्थान तक बिना आधिकारिक रोजगार या जिम्मेदारी के बने रहे। गवर्नर जनरल के रूप में शोर के शासन की अवधि तुलनात्मक रूप से असमान थी। उन्होंने एक से अधिक देसी शक्ति की सेवा की। उन्होंने एक से अधिक देसी शक्ति की सेवा में एक फ्रांसीसी सहायक बल के विकास की अनुमति दी। इसी के साथ उन्होंने ब्रिटिश प्रभाव के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए लॉर्ड होबार्ट के प्रयासों को विफल कर दिया। उन्होंने उत्तरी भारत में सिख राज्यों के विकास की अनुमति दी। हालांकि उन्होंने बंगाल सेना के उत्तराधिकारियों के विद्रोह से निपटने में कमजोरी दिखाई। सर जॉन शोर ने अपने कार्यकाल में पिट के भारतीय कानून में निर्दिष्ट तटस्थता की नीति की दृढ़ता के साथ पालन किया। सर जॉन शोर ने अपने कार्यकाल में पिट के भारतीय कानून में निर्दिष्ट तटस्थता की नीति का
दृढ़ता के साथ पालन किया, जिससे अंग्रेज कंपनी के सम्मान को भारत में ठेस पहुंची। 1795 में बंगाल के यूरोपीय अफसरों ने भयानक विद्रोह कर दिया, क्योंकि वो शासन पर अपना अधिकार करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप सर जॉन शोर को विद्रोहियों के साथ अनेक रियायतें करनी पड़ी। स्थिति को संभालने में असफल होने के कारण सर जॉन शोर को 1798 में वापस बुला लिया गया। उनकी सेवाओं के लिए पुरस्कार के रूप में शोर को 3 मार्च 1798 को डबलिन में निष्पादित पत्रों के पेटेंट द्वारा आयरलैंड के पेरिस में टिगनमाउथ के बैरन टिगनमाउथ बनाया गया। सर एलरेड क्लार्क के हाथों में सरकार से इस्तीफा देने के बाद टिगनमाउथ ने मार्च 1798 में भारत छोड़ दिया। 7 अप्रैल 1807 को उन्हें नियंत्रण बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया। ये एक ऐसा कार्यालय था जिससे कोई वेतन नहीं जुड़ा था। सर जॉन शोर ने अपना अधिकांश समय धार्मिक और परोपकारी मामलों में बिताया। हालांकि वो फरवरी 1828 तक नाम मात्र के लिए बोर्ड के सदस्य बने रहे। टिगनमाउथ ने कभी भी आयरिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपनी सीट नहीं ली, ना ही उन्हें संघ के बाद प्रतिनिधि सहकर्मी चुना गया। 18 जून 1806 और 30 मार्च 1813 को भारतीय मामलों पर हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष उनकी 2 बार जांच की गई। पहले अवसर पर हाउस ऑफ कॉमन्स के टिगनमाउथ की उपस्थिति के आदेश के परिणाम स्वरूप हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 19 जुलाई 1806 को पारित किया। ये संसद की विशेषाधिकार के अलावा सहकर्मी के विशेषाधिकार को बनाए रखने वाला एक संकल्प था। हालांकि संकल्प को कॉमन्स को सूचित नहीं किया गया था, और एक अन्य अवसर पर लॉर्ड्स द्वारा टिगनमाउथ की उपस्थिति के लिए कॉमन्स के आदेश पर सवाल नहीं उठाया गया था। बाद में सर जॉन शोर क्लैफम संप्रदाय का एक प्रमुख सदस्य बने। वो 1802 से 1808 तक क्लैफम में ही रहे, फिर वो लंदन चले गए जहां उन्होंने अपने शेष दिन गुजारे। उन्हें 14 मई 1804 को ब्रिटिश और विदेशी बाइबल सोसाइटी का पहला अध्यक्ष चुना गया, और अपने जीवन के अंत तक वो इसी पद पर रहे। उन्होंने समाज में विभिन्न विवादों में सक्रिय भाग लिया, और समाज द्वारा जारी बाइबल के सभी संस्करणों से अप्रोक्रिफल पुस्तकों के बहिष्कार के पक्ष में अपना फैसला दिया। 14 फरवरी 1834 को 82 वर्ष की आयु में पोर्टमैन स्क्वायर में स्थित अपने घर में उन्होंने अंतिम सांसें ली, जिसके बाद उन्हें मेरिलेबोन पैरिश चर्च में दफनाया गया, जहां उनकी स्मृति में एक स्मारक बनाया गया था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले। ऐसी और भी दिलचस्प जानकारियों के लिए आप देखते रहिए प्रभात एग्जाम।